लेकर हाजिर हूँ एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को इसका आंसर आता है तो कमेंट में इसका आंसर करके बताएं कि हमने ये आंसर इसका निकाला है, वरना बने रहें इस वीडियो के एंड तक इस क्वेश्चन को सीखने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर इस पोर्शन को सोल्व किया जाए तो यहां पर ये है एक, ये अलग रहेगा, ये पोर्शन अलग रहेगा, यानी ये जो इसको मैंने लिख लिया यहां पर उतार कर 2 की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है, इट मीन्स वो होता है 1, तो इसकी जगह लिख दूंगा 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस प्लस, फिर ये 2 है 2 लिख दिया, इसकी पावर 3 है वो लिख दिया, लेकिन 0 की पावर 4 है और 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 ही रहता है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है जी। प्लस 2, फिर इसकी पावर 0 ये लिख दी। अब 3 की पावर 4 है, यानी 3 को 4 टाइम इनटू करना है, कर देंगे जी। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 होता है, तो यहां लिख देंगे 81, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 की पावर 1 यानी कि ओनली 3 आएगा, तो इसे लिख देंगे 2 की पावर 3। प्लस यहां 3 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो मतलब 1 होता है, यानी इसे लिख देंगे 2 और उसकी पावर 1, ठीक है। प्लस 2, अब 0 की पावर 81 है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहता है, यानी ये 0 आएगा, ठीक है जी। अब 2 की पावर 3, अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। प्लस 2 की पावर 1 यानी 2 होता है। प्लस 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 1 ही होता है, 8 और 2 10 और 1 11, तो फाइनली हमारा आंसर होगा 11। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना।